बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा देखें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो से आप बाखबर रह सकें। आज मैं आपको साबुत धनिया साफ करने का तरीका बताऊँगी। इसमें रेत होती है, मिट्टी होती है और इसमें कचरा वगैरह होते हैं, ये हम किस तरह साफ़ करेंगे ये आप इस वीडियो में जानेंगे। अब मैंने एक पतीले में पानी शामिल किया है। अब मैं साबुत धनिया शामिल करूंगी। अब इसे हल्के हाथों से हिलाऊंगी ताकि जो रेत और मिट्टी है वो नीचे बैठ जाए। एक छलनी में छान लूंगी, आराम से डालिएगा ताकि जो रेत है वो नीचे बैठ जाए। ये देखें कितनी धनिया में मिट्टी है, रेत नीचे बैठ गई है, पत्थर वगैरह। साबुत धनिया को हमेशा साफ करके इस्तेमाल किया करें। ये देखें इसे मैंने दो तीन पानी में धोया था। अभी देखें साफ धनिया, साबुत धनिया आपके सामने है, आप भी इसी तरह साफ करके इस्तेमाल करें। दो तीन पानी में मैंने इसे धोया था, आप भी दो तीन पानी में इसे धोएं। और अभी साफ सुथरा साबुत धनिया आपके सामने है। अब मैं इसे सुखा कर ग्राइंडर कर लूँगी और मैं इसे धनिया मसाले के तौर पर इस्तेमाल करूँगी। आप भी इसे साबुत धनिया को साफ करके इस्तेमाल करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।